हज़ार उलझन है राहों में लेकिन कोशिश है बेहिसाब, इसी का नाम ज़िंदगी है, चलते रहिए जनाब। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इजो जोन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भूकंप क्या है और अगर हम खतरनाक भूकंपीय जोन में आते हैं तो हमें घर बनाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, साथ ही साथ हम लोग किस तरह से भूकंप का पूर्वानुमान लगा करके भूकंप से बच सकते हैं, भूकंप के होने वाले उसके जो हानियां हैं उससे किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, उसी का गल्ला करेंगे हम लोग इस वीडियो में। आइए समझते हैं सबसे पहले भूकंप होता क्या है। भूकंप जो होता है वो भूपलटी पर दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपलटी इन द सेंस जो भूमि का जो ऊपरी सतह है उस पर दोलन या कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। और यह भूकंप मान के चलिए, यह जो अर्थ है, आप जानते हैं कि अर्थ का जो होता है तीन पार्ट में इसे बांटा गया है। एक हो गया क्रस्ट, ऊपर वाला हो गया आपका क्रस्ट, नीचे वाला उसका भी मध्य वाला हो गया मेंटल, और सबसे नीचे वाला होता है बोलिए कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। ऊपर वाला क्रस्ट मेंटल और कोर, ये जो क्रस्ट है इसी पार्ट में जो दोलन या कंपन को ही क्या कहा जाता है, भूकंप। तो भूकंप जो स्टार्ट होता है मेनली यहाँ मेंटल से स्टार्ट होता है, और इस भूकंप का इस मेंटल से अगर यह भूकंप जो है इस धरातलीय पर पहुंचेगा और यहाँ क्या होगा, कंपन होगा, उसी को कहेंगे भूकंप। और भूकंप जिस जगह से प्रारंभ होता है उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। भूकंप जहाँ से स्टार्ट होगा उस पॉइंट को, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है भूकंप का, उसे कहते हैं फोकस। और धरातलीय सरफेस पर जहाँ पे पहुँचता है, सर्वप्रथम पहुँचता है जो धरातलीय सरफेस पर, उसे कहते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। मतलब भूकंप जो धरातल है, जो सरफेस है अर्थ का, वो जिस जगह पर सबसे पहले पहुँचेगा उसी सरफेस को, उसी फेस को, उसी सतह को, उस हम लोग जो भूकंप है उसका एपिसेंटर कहते हैं। आई होप आप और एपिसेंटर को समझ पाए होंगे। तो जब भी भूकंप होता है तो उस समय में तीन तरंगें उत्पन्न होती है। पहले तरंग को कहते हैं पी तरंग, दूसरे को एस तरंग, तीसरा एल तरंग। हालांकि इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग कहते हैं। इसे लव तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो खोज हुआ था, इसके बारे में जो कंसेप्ट दिए हैं वो एचडी लव साहब ने दिए हैं, इसलिए इसे लव तरंग कहा जाता है, जिसे एल तरंग से डिनोट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है वह स्पीड होता है प्राइमरी तरंग का, प्राइमरी वेव का, पी तरंग का, जिसका स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि एस तरंग का स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और एल तरंग का स्पीड जो होता है वह 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप यहाँ से इस बात को समझिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो स्पीड अगर इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब है क्षति भी इससे ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्षति जो होता है सबसे ज़्यादा एल तरंग से होता है, हालांकि इसका स्पीड कम होता है लेकिन क्षति जो होता है वो एल तरंग से ज़्यादा होता है। इसको अपने भाषा में समझिए। आप समझिए कि किसी को दिल दिए, क्या दिए? दिल दे दिए। तो दिल जो दिए तो इसमें ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं किए, कहीं बराती या कहीं घूमने उमने गए, एक दो दिन बात किए, उसके बाद नंबर मिला, भाई का काम सेट हो गया, दो तीन दिन बाद चला, दिल दिए गए। लेकिन दो तीन दिन बाद जो ही आप रात में 2 बजे कॉल करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ से आता है जिस नंबर से आप बात करना चाहते हो वह फिलहाल दूसरे कॉल पर व्यस्त हैं, तो भाई का दिल टूटेगा, भाई का दिल टूटेगा। तो अगर भाई का दिल टूटेगा तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि बात होगी कि अच्छा छोड़, 2-3 दिन ही हुआ था। लेकिन सोचिए एक भाई ऐसे हैं जिसने 10th साथ में किया, कुछ बता ना सका, 12th साथ में किया लेकिन कुछ अपने दिल की बात कह ना सका, आखिरकार जब कंपटीशन की तैयारी के लिए आए तो वहाँ भाई ने सब कुछ बताया और भाई का यह काम 1-2 साल तक ठीक ठाक चला। और जो ही 2 साल बीता, एक दिन संडे के दिन भाई भी पार्क जा रहे थे और भाई के जो हम लोग का जो भाभी था वह किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तो समझिए उस समय भाई का क्या हाल हुआ होगा। तो इस समय जो भाई को जो दुख होगा वह बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा होगा पहले वाले भाई के तुलना में, क्योंकि बहुत अधिक समय रहा और साथ साथ रहने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर कोई चीज़ ज़्यादा समय तक होता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यह धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। लेकिन उन भाइयों के लिए हम कह दें कि आपको सबसे
दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं आप कि कौन कहता है कि पहला प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली जबरदस्त होनी चाहिए, बस वही सब ध्यान रखना है। उस समय कई भाई सुसाइड सब भी कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह कुछ नहीं करना है, 75 आएंगे 75 जाएंगे, यूनिक वही होगा जो माँ बाप ढूंढ करके लाएंगे। उस सबसे आपको घबराना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई स्पीड में आया, कोई स्पीड में आया और चला गया, तो उतना दुख या उतना हानि आपको नहीं होगा। उसी तरह से भूकंप में भी जिसका स्पीड ज़्यादा उससे खास प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो धीरे धीरे आएगा एकदम से डोला करके चल जाएगा तो उससे ज़्यादा प्रभाव होगा। और साथ ही साथ अगर यह हम बात करें तो यह जो पृथ्वी का जो कोर होता है, मान के चलिए यहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ, तो भूकंप केवल क्रस्ट की तरफ नहीं जाएगा, वह कोर की ओर भी आएगा। तो जो हमारा प्राइमरी वेव होता है यह कोर तक भी पहुँच सकता है, मतलब ये ठोस में भी गमन करता है साथ ही साथ तरल में भी गमन करता है। लेकिन जो एस तरंग होता है यह केवल ठोस में गमन करता है, यह द्रव में गमन नहीं करता है, यह कोर तक नहीं पहुंचेगा। जबकि एल तरंग जो होता है वह धरातल तक पहुंच जाता है, सतह तक पहुंच जाता है। उसके बाद इस तरंग को, पी तरंग को ही क्या कह देते हैं, प्राथमिक, और एस तरंग को कह देते हैं द्वितीयक, और एल तरंग को कहते हैं धरातलीय तरंग। क्या कहते हैं? धरातलीय तरंग। अब हम लोग इस, आप तीनों तरंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप इससे आश्वस्त हो गए होंगे कि कौन सा तरंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बोलिए तो कौन सा तरंग है? एल तरंग। देखिए अब कारण को समझना है। देखिए भूकंप आने का मेन कारण होता है कि पृथ्वी का जो, मतलब पृथ्वी में जो है 20 छोटे छोटे और 7 बड़े प्लेट हैं, इसके अंदर 7 बड़े प्लेट हैं, उसी प्लेट पर यह हमारा ऊपर वाला सतह है। तो जब यह दो प्लेट एक दूसरे से आकर के टकरा जाते हैं, एक दूसरे से आकर के क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो जिस कोने पर टकराते हैं इसे कहते हैं विनाशकारी, इसे क्या कहते हैं, विनाशकारी साइड। तो जिस कोने पर अगर ये टकरा गए, तो दोनों में टकराएंगे तो क्या होगा, कंपन, और वही कंपन या दोलन को क्या कह देते हैं, भूकंप। तो जब इन दोनों के टकराने से जो भूकंप होता है, टकराने एक दूसरे के पास आने की घटना को कह देते हैं अभिसरण। क्या कह देते हैं? अभिसरण। और जब दोनों टकराएगा तो भूकंप आ जाता है। भूकंप क्या आ जाता है? आ जाता है दोनों प्लेट जब टकराते हैं। और कभी कभी होता है क्या कि एक प्लेट जो होते हैं दूसरे प्लेट से काफ़ी दूर हो जाते हैं, दूसरे प्लेट से दूर हो जाते हैं, इस घटना को कहते हैं अवसरण। क्या कहते हैं? अवसरण। तो इसमें होता क्या है कि जब पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, तो इसका जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से हटेगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट से, तो ये जो मेंटल है, मेंटल एकदम इसमें धधकता हुआ लावा सब बाहर ऊपर फेंक देगा और वही क्या बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। वही क्या बन जाता है? ज्वालामुखी बन जाता है। तो वो आप नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझ लेंगे ज्वालामुखी क्या है। तो दो प्लेट के आपस में टकराने से ही क्या होता है, भूकंप आता है। क्या होता है? भूकंप आता है। तो अब होता क्या है कि जब आप मैप पे देखेंगे तो जो हमारा अंटार्कटिका है, जो हमारा क्या है, अंटार्कटिका, वह किसी भी प्लेट से आसपास नहीं है। तो यही कारण है कि अंटार्कटिका में कभी भी भूकंप नहीं आता है, अंटार्कटिका में कभी भी भूकंप नहीं आता है। तो अब दो प्लेट कहाँ तक जाकर के टकरा करके बिना टूटे हुए रह सकते हैं, या दो प्लेट कितना दूर तक जाते हुए बिना टूटे हुए रह सकते हैं, इसी के बारे में बताए थे रीड महोदय ने, जिसे ही हम लोग भूकंप का रीड का प्रत्यास्थ सिद्धांत कहते हैं। रीड का प्रत्यास्थ सिद्धांत अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो रीड का प्रत्यास्थ सिद्धांत जो संबंधित है वह भूकंप से संबंधित है। अब हम लोग समझेंगे कि भूकंप पेटी क्या होता है। भूकंप पेटी होता है वही प्लेट जिस प्लेट पर क्या हो, भूकंप आए, जहाँ पे टकराने के बाद भूकंप आए, उसी को कहते हैं भूकंप की पेटी। एक हो गया आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट, मध्य महासागरीय प्लेट, मध्य अटलांटिक प्लेट, इस तरह से भूकंपीय पेटी होते हैं। अब हम लोग भूकंप से संबंधित कुछ बच्चों क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन को निपटा देते हैं। जैसे पहले आपसे पूछा जाए भूकंप को मापने वाला मशीन क्या होता है, तो हो जाता है सिस्मोमीटर। क्या हो जाता है? सिस्मोमीटर। आप फिगर में भी देख सकते हैं वह जो सिस्मोमीटर होता है। उसके बाद भूकंप का स्टडी को क्या कहते हैं, तो भूकंप के स्टडी को कहता है सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भूकंप के स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप मापने वाला जो ग्राफ होता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। इस तरह से अगर भूकंप आता है तो उस ग्राफ पे इस तरह से
इस तरह से वह डिजाइन बन जाता है, जिस तरह का भूकंप हो, जितनी उसकी तरंगे हो, वह ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो जाता है, और जो ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है उसी को कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। इसके स्केल ढेर सारे होते हैं, लेकिन अभी जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया स्केल है वह कौन है? रिक्टर स्केल। इससे पहले फेरल तरासी था, मर्केली था। इस सब में क्या था, इसमें 1 से 9 अंक तक ही दिखाए गए हैं, बाकी फेरल में 1 से 12 तक अंक दिखा दिए गए थे, लेकिन ये सबसे अच्छा है रिक्टर स्केल। इसमें एक अंक से दूसरे अंक के बीच का जो डिफरेंस होता है वह 10 गुना का अंतर का होता है, या ना कि 1 से 2 केवल एक अंक, वह एक अंक से दूसरे अंक का जो अंतर होता है वह 10 गुना का अंतर होता है। अब बात आती है कि भूकंप से हम लोगों को किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से हमें प्रिडिक्शन पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है। तो एक तो यह कि हमारे वायुमंडल में जो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह भारी गैस होती है और यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन गैस के अचानक बढ़ने के कारण अचानक बढ़ना वह कहीं ना कहीं भूकंप आने की प्रिडिक्शन कर बैठता है। साथ ही साथ जो ये कुछ जो 20 हर्ट्ज से कम जो ध्वनि तरंगे होते हैं उसको सुनने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब सियार हो गया, ये सब जितने हैं ये अपशब्द तरंग को भी सुन सकते हैं। अनऑडियबल जो वेव होते हैं जो नहीं सुन सकते हैं आप, उसको भी यह क्या करते हैं, सुन लेते हैं। तो इन सब में एक अचानक तरह जो होती है इधर उधर घूमने लगते हैं, अलग तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि यह भूकंप आने वाला है। तो यह महज भूकंप से 10-15 मिनट पहले का प्रेडिक्शन है, और 10-15 मिनट पहले कोई इतना जज ही नहीं कर पाता है कि भूकंप आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो हमें कुछ चेतावनी जो प्रेडिक्शन है देखने से मिल सकते हैं, अगर आप जज कर पाए तो। अब हम ये समझना है कि अगर हम घर में हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आप घर में हो तो जब भी घर गिरती है, तो जब भी कभी कोई बम फेंक करके गिरा या मिसाइल फेंक करके गिरा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक घर के एकदम घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, मतलब एकदम से वह भूमि पर आ के गिर जाता है। तो अगर भूकंप से वह गिरता है तो इस तरह नहीं करता है, उस कंडीशन में एक घर दूसरे ऊपर के घर के ऊपर इस तरह से गिर जाता है, जैसे फिगर में देख सकते हैं, एक घर दूसरे घर के इस तरह से। तो उस कंडीशन में अगर आप कोने में चल जाते हैं तो वहाँ आप आसानी से बच सकते हैं। आप सुनते भी होंगे कि कभी वहाँ भूकंप आने के 2 दिन बाद भी जिस जगह पर भूकंप आया था, जिस जगह घर गया था, मलबे से दबे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, तो जिंदा बच सकते हैं। तो उस जहाँ दोनों सटा हुआ नीचे आप बैठे रहेंगे कोना में, तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। साथ ही साथ अगर आप कम तरंग वाला भूकंप है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, अगर आपका बेड मजबूत है तो आप बेड के नीचे में बैठ चल जाइए, क्योंकि अगर जो भी ईटा एक आध ईटा गिर जाने से आपका घर नहीं गिरेगा, पंखा गिर जाने से नहीं। तो अगर आप बेड के नीचे चल जाते हैं, बेड आपका मजबूत होता है, तो आपको पंखा एक आध ईटा गिरने से वह बचा लेगा, आपका जो शरीर है वह फटे उठेगा नहीं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि भूकंप क्या है और भूकंप किस जोन में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और हमें घर बनाने के समय भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें घर बनाते समय जो भूकंप रोधी जो छड़ आते हैं उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भूकंप आता है वह जापान में आता है, और जापान इन्हीं सब नुस्खों को उपयोग कर करके भूकंप से ज़्यादा हानि नहीं पहुँच पाता है। वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं लेकिन ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि भूकंप रोधी जो छड़ होते हैं वह फ्लेक्सीबल होते हैं और थोड़े मोड़े झटके को भी वह बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आई होप इन सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। इस YouTube परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।